सो गाइज अभी मैं बुक कर रहा था, हमारा एक्चुअली प्लान था साइंस सिटी जाने का, रोबोटिक्स और एक्वेटिक गैलरी देखने का, और आज वेडनेसडे तो हमने सोचा कि आज वहाँ पे हो आते तो आपको भी मजा आएगा, आपको भी दिखाएंगे, हम भी दिखेंगे। और मैं टिकट बुक करने बैठा 2 बजे क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा तो ऑन डे, मतलब इट्स अ रेगुलर डे, इट्स अ वेडनेसडे, तो इतना ज़्यादा बुकिंग कहाँ पे होगा, टिकट्स मिल जाएगी। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि कोटा फुल हो जाएगा, लेकिन हमें बुक कराने का तो निक के आ गया कोटा फुल। आप अभी टिकट बुक नहीं कर सकते, यू कैन बुक अनदर डे। फिर मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला यस इट्स ट्रू, मतलब हाँ इन्फॉर्मेशन तो सही थी, लेकिन मैंने पूछा कि वहाँ पे आके मिल सकती है, तो उन्होंने बोला नहीं बारी बंद हो चुकी टिकट बारी। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ, और पोपट अलर्ट, मतलब हमारा पोपट हो गया। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे टिकट बुक करने के लिए रखा था 4 टिकट, यहाँ पे टू कार्ट, कोटा इज बुक फॉर द डे, कोटा इज बुक फॉर द डे। सो या आज का प्लान पोपट हो गया हमारा। तो आप भी ये वेबसाइट से scity.gujarat.government.in में जाके टिकट बुक कर सकते हैं पहले, जो जहाँ से मैं भी कर रहा था। सो गाइस अभी आज तो साइंस सिटी जाने का प्रोग्राम कैंसिल, तो अभी हम कल जाएंगे, सो आपसे मिलेंगे कल थर्सडे, ठीक है। हे गाइस सो वेलकम बैक टू द चैनल, और आज हो गया थर्सडे, और फाइनली अभी हम जा रहे हैं साइंस सिटी एक्वेटिक गैलरी देखने के लिए और रोबोटिक गैलरी देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं साइंस सिटी, तो ये है स्काई व्यू ऑफ साइंस सिटी। आई थिंक मैप में से एक्चुअल फोटो निकला, और यहाँ पे पूरा दिया हुआ है एमएक्स इलेक्ट्रोड्रोम हॉल ऑफ स्पेस और सब कुछ। तो 17th और 18th है रोबोटिक्स के लिए एक्वेरियम, और इसकी टिकट हमने कहाँ से बुक कराई है, जो जो वेबसाइट थी उसकी जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। अंदर आके ही बहुत चलना पड़ता है गाइस, ऐसा नहीं है, है कि नहीं, चलना पड़ेगा अंदर आके ही बहुत सारा। और ये पानी आप लेके अंदर आ सकते हो, तो पानी आप आसानी से मिल जाएगा आपको। चलो चलते आगे एक्वेरियम की तरफ, हम पहले देखेंगे एक्वेरियम। यहाँ पे हमारी टिकट चेक होगी, तो टिकट भी चेक होगी, फाइनल पेमेंट हो गया। ओह माय गॉड, अंदर आते ही वो आज बड़े एक्चुअली में दोनों साइड और अलग ही फील है, अलग ही। और यहाँ पे मस्त सफाई का काम चल रहा है, देखो कितनी बारीकी से सफाई हो रही है, मस्त कितना अच्छा रख रहा है। हाँ, और यहाँ पे एंट्री में आते ऊपर भी ऐसे पानी है, और वहाँ पे भी फिशेज है,
और यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे सब मछली के इंफॉर्मेशन और ऐसे बोर्ड रखे हुए जहाँ पे आप अलग अलग मछली के बारे में हमारे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई आप पढ़ सकते हो और यहाँ से अंदर जा सकते हैं और वहाँ से बाहर निकल के पूरा ये वाला देख सकते हैं और बहुत फन चीज़ है। ए, ए, आ गई तो मस्त गई। अभी मेरी बारी, मैं जा रहा हूँ अंदर, देखते कैसा लग रहा है अंदर से। वाओ, अंदर से एकदम नजदीक से दिख रहा है, ब्यूटीफुल। चलो क्या मुझे पसंद क्यों रहे हो अत्या सुधी और तुझे क्या स्टार्ट करूँ जो तो मस्त है। वाओ, अभी हम आ गए इंडियन जोन में। ये देखो हमारे सामने देख रही है हम क्या कर रहे हैं। ये सब यहाँ पे छोटी छोटी गोल्ड फिश जो हम घर पर भी रखते हैं वही वाली है। और एक कोयपू भैया इधर पता नहीं सारे मिलके एक जगह पे देख रहे हैं, पता नहीं क्या देख रहे हैं, कुछ तो वहां से आ रहा है या कुछ तो देख रहे हैं, वहां पे कुछ मीटिंग चल रही है इनकी। और ये बबल वाले भैया कुछ तो कर रहे इधर, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ये बबल आ रहा है, बबल, बड़े बड़े बबल देखो। और एक देखो, और एक बबल आएगा, ये आ जो आयु मस्त बबल वो। और ये बच्चों के लिए भी एक्टिविटी, और ये बच्चों के मजा आ रहा है उनको देख के। वाओ, बच्चों को एंटरटेन कर रहा है। यस, परफेक्ट एंटरटेनमेंट स्पॉट फॉर किड्स। मस्त। फाइनली स्टिंगरे से मिलने में आ गए, वो भी हमारा वेट कर रही थी, कब से हमारा वेट कर रही और हम फाइनली इसको मिलने आ गए। देखो किड्स के स्माइल करके हमारा स्वागत किया इसने बेचारी, और ये सब स्टिंगरे इधर मस्ती कर रही है। देखो दूसरी भी, ये देखो कितनी सारी स्टिंगरे इधर है, ये देखो कितनी सारी, ये अभी स्टिंगरे थे, ये देखो आ गई इधर फिर से। मैं हम नीचे आए तो ऐसे नीचे आ गए, और ये स्टिंगरी के साथ मस्ती करते हुए दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। हाँ बोले थे, बोलते नहीं चाटे थे वो ग्लास को ऐसे सक कर रहे अरे ये देखो चार चार एक कलर चेंज है, लाइटिंग वाली चमक। अच्छा स्क्रीन चमक है, अच्छा हाँ ऐसे स्क्रीन चमक रही है, ये पूरी है पूरा अफ्रीकन जोन। ये चार जन टीम में घूम रहे हैं, ये चार जन टीम में घूम रहे हैं ऐसे पकड़, हाँ दौड़ पकड़ खेल रहे हैं। और एक क्रोकोडाइल फिश है भैया, हाँ मतलब उसका नाम क्रोकोडाइल फिश है कि तूने ऐसे बोले? अरे तू अपने आप कहाँ पे नाम रखेगी, उसका नाम देख कैसा है, अभी तेरे ऊपर आ रही है, अटैक करेगी। एलिगेटर। अभी तेरे पे अटैक करने वाली थी लेकिन तूने ऐसा दिख लिया तो अभी टर्न मार लिया। हाँ पूरे मतलब उसका फेस एकदम एलिगेटर जैसा है, देख। ओ हाँ अभी जैसे हमसे मिलने आई हो ना, ऐसे आगे रुक गई है, बिल्कुल रुक गई है आगे, ऐसे अपना दांत दिखा रही है, ज्यादा ऊपर नीचे मत होने वरना मैं काट दूंगी। हाँ हाँ दांत जो है मैं,
अभी ये दोनों की फ्रेंडशिप हो गई पापा माधवी की और इसके, अभी हम चलते आगे इसको। हाँ तो उसके साथ, हाँ तुम उसके साथ रह लो, चलो अंदर जाना क्या आपको, अभी खा जाएगी क्या एलिगेटर गा रहा है इसका नाम अमेरिकन। तो ये पुराना मंदिर जैसा दिख रहा है और वहाँ उसके चक्कर लगा रही है कब से, प्रदक्षिणा कर रही है ये वाली, जैसे भक्ति कर रही हो। ये वाली दूसरी टीम है और ये पफर फिश, आपको पता ही होगा पफर फिश के बारे में, लेकिन मैंने इतने नज़दीक से पहली बार देखी, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और ये जेली फिश, ये पॉइजनस होती है, अब पॉइजनस हो आने करंट लागे, टच करो रहता एक ही है ना इधर, एक ही है लेकिन है इधर, तो आपको इधर जेली फिश भी देखने को मिल जाएगी। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टनल के अंदर, जो मेन अट्रैक्शन है इधर का, एंड जस्ट वाओ गाइस, दिस प्लेस इज जस्ट वाओ। और ये हेलो हेलो ये हेलो वाओ ओए हेलो ये मस्त क्लैरिटी है यार। और ये शार्क हमारे ऊपर तैरते हुए, तो है ना वो ये शार्क टैंक है ना, उसमें जो वो है ना वो एसी वेंट है, तो मैं ऐसे खड़ा रहा था, ये पूरे जो है ना वेंट्स वो सब एयर कंडीशनर है। हाँ तब खड़े रहोगे तब अच्छी अच्छी हवा आएगी। तो दोस्तों हमने एक्विटी गैलरी देख चुके हैं अभी हम, और आ गए हम रोबोटिक्स गैलरी में, जहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मर वाले जो भैया है इधर अहमदाबाद में शिफ्ट हो चुके। सो गाइज आज है सैटरडे और हम गए थे थर्सडे। सो मैं तो सबसे पहले मैं तो ये बता दूं कि ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो ये प्लेस मस्ट विजिट हो जाती है, हम बड़ों को भी मज़ा आया, तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा बच्चे के एंजॉय कर रहे थे, बहुत सही जगह है। तो आप ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, अगर आपके सर्कल में बच्चे नहीं है तो आप भी एंजॉय डेफिनेटली करेंगे। दूसरा पॉइंट, आप प्री बुक करवाना, मतलब सडनली प्लान करोगे तो शायद ऐसा हमारे जैसा पॉपअप हो सकता है कि आपको टिकट ना मिले, सो प्री बुक इट और प्री प्लान इट। दूसरा, अगर आप बुकिंग करवा ही लेते हैं जाते ही है, तो थोड़ा जल्दी चले जाना 11-12 बजे तक, क्योंकि 3-4 बजे जाओगे, हम 3 बजे पहुंचे थे, 3:30 बजे बहुत हड़बड़ी हो गई थी, तो ये थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वाटर बॉटल अंदर कैरी कर सकते हो, और अंदर प्रोफेशनल कैमराज अलाउड नहीं है। वैसे मैंने इंक्वायरी नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा जानने को मिला था कि प्रोफेशनल कैमराज अलाउड नहीं है। तीसरा उसी और फिर सेल्फी स्टिक और गिम्बल भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि मैंने, मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने एक बंदे के हाथ में सेल्फी स्टिक या गिम्बल देखा था, वो फॉर श्योर है। ठीक है, सो यू हैव टू कैप्चर फोटोज एंड वीडियोज इन योर मोबाइल ओनली। सो आपके मोबाइल में थोड़ी स्पेस बचा के रखना, सब कुछ ओल्ड डेटा डिलीट करके जाना, और पावर बैंक जरूर कैरी करना, और अदरवाइज आपका फोन स्विच ऑफ हो गया तो आप फिर रिकॉर्ड वीडियो और फोटोज रिकॉर्ड या शूट नहीं कर पाओगे। सो आई गेस मुझे यही सब पॉइंट्स बताने थे, और कोई रह गया होगा तो रोबोटिक गैलरी वाला, रोबोटिक वाला जो एपिसोड होगा उसके एंड में डेफिनेटली बता दूंगा। सो गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आप अगर वहाँ पे जाके आए तो आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा था। मुझे शार्क टैंक में वैसे तो बहुत ज़्यादा मज़ा है सब में, लेकिन शार्क टैंक में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट लगा, हम फॉरेन कंट्री में होता है, इंडिया में पहली बार है शायद, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपका कौन सा सेक्शन फेवरेट है अगर आप जा चुके हो तो बताना, और जाके आओ और तो कौन सा लगा वो डेफिनेटली कमेंट में बताना, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में रोबोटिक गैलरी में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।